इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है, फिर चाहे मंजिल की डगर कितनी ही कठिन क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रायपुर जिले के कृष्ण कुमार सेनी ने। 10 दिन में 600 किलोमीटर की पदयात्रा। जी हाँ, कृष्ण कुमार सेनी ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जारी जल विवाद के समाधान के लिए 600 किलोमीटर की पदयात्रा करके पूरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में प्रार्थना की है। उन्होंने अपनी पदयात्रा 1 जुलाई दोपहर 2 बजे चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर से शुरू की थी। उनकी ये पदयात्रा जल्द ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी। हालांकि 26 घंटे नॉनस्टॉप 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर पिछले महीने ही उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। पदयात्रा से वापस लौटने पर सेनी का गोबरा नवापारा में जोरदार स्वागत हुआ। नगर के गणमान्य नागरिकों ने एक गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए उन्हें नगर का गौरव बताया। सेनी ने अपनी पदयात्रा में महानदी जल विवाद का जो मुद्दा उठाया है वह दोनों प्रदेशों छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए बड़ा संवेदनशील है। सालों से पेंडिंग इस विवाद का समाधान दोनों प्रदेशों की जनता भी चाहती है। ऐसे में दोनों प्रदेशों की सरकारें इसको लेकर कितनी गंभीर होंगी, यह देखने वाली बात होगी। आज सैनी जी जगन्नाथपुरी की यात्रा पूर्ण करके नयापारा नगर जब वापिस आए तो लोगों ने भव्य स्वागत किया। नगर के सभी जनों ने, सभी समुदाय के लोगों ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया है। और सैनी जी की ये यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के प्रथम दिन से शुरू होकर एकादशी तिथि के दिन उनका खूब स्वागत हुआ वहाँ, और ये यात्रा 10 दिन में कंप्लीट हुई। बहुत अच्छी पदयात्रा रही, 10 दिन की हमारी ये पदयात्रा थी और लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र हमने 10 दिन में तय किया है। और चंदखुरी से पूरी तक की हमने ये पदयात्रा की और आज मैं घर वापस लौटा हूँ। बहुत खुश हूँ। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली एवं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो महानदी जल विवाद है उसको लेकर के मैंने ये पदयात्रा की थी। भगवान जगन्नाथ के दरबार में मैंने हाजिरी लगाई है कि मेरी मनोकामना पूरी। सैनी जी बिहार के हीरो हैं, ये उनका दूसरा रिकॉर्ड रहा, दो और होने वाला है। तो हम उनके साथ चल तो नहीं सकते, लेकिन चूंकि वो हमारे शहर का सम्मान बढ़ा रहे हैं इसलिए आज उनके स्वागत पे शहर का हर वर्ग समय होकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। हम पूरे नगरवासी उनको बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएँ देना चाहते हैं, तो भविष्य में इसी तरह इस शहर का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहें।